हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे कि अब मेरी तबीयत कैसी है, तो आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी। जब से मैं कोविड पॉजिटिव हुई उसके बाद इतनी सारी दुआएं मुझे मिली आप लोगों के द्वारा कि शायद उस दुआओं की वजह से ही मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस वीकनेस है, वीकनेस तो बहुत ही ज़्यादा है और वीकनेस की वजह से मतलब वीडियो भी मेरा नहीं आ पा रहा है क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा देर तक जब बोलती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मुझे देख के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जब मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया, जब मैं दोबारा जांच करवाई उसके बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं सबसे दूर हो गई थी। आप लोगों से तो दूर थी ही, फैमिली वालों से ही बिल्कुल दूर हो गई थी। वीडियोज़ तो नहीं आ रहे थे और फैमिली से अलग रहना, एक कमरे में बंद रहना, मतलब बहुत बुरा समय होता है। सच में भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, और अगर करे भी तो जिस तरह से मैं इससे ठीक हो गई, मेरा पूरा फैमिली इससे निकल गया और किसी को नहीं हुआ। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि और किसी को नहीं हुआ। मेरे पापा को हुआ था, तो पापा को मतलब हम दोनों साथ में भी नहीं थे। पापा यहाँ थे और मैं अपने घर पे थी, दोनों को अलग अलग हुआ। लेकिन यही सबसे मतलब ईश्वर की असीम कृपा कि साथ में मम्मी होती थी। पूरा मेरा जॉइंट फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, दादा दादी है, अंकल आंटी, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, सारे लोग रहते हैं, किसी को नहीं हुआ। और मैं भी, मेरे साथ हस्बैंड मेरे रहते थे और हम लोग एक साथ इतने दिनों तक रहे। लगभग 17 दिनों तक बीमार होने के बाद मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि दवा लेने के बाद ठीक हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। लगता था कि धूप लग के, मुझे धूप लगी थी, उसके बाद मुझे फीवर आया था, तो सबको यही लगता था कि शायद उसकी वजह से, धूप लगने की वजह से फीवर है। तो मतलब किसी को कोविड पे ध्यान जा ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि आपको पता कैसे चला। तो मेरा जो कोविड था वो सीटी स्कैन में पता चला। जब मेरा सीटी स्कैन हुआ तो वहाँ पे मेरे लंग्स में वो पूरा वो हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इससे बाहर आ गई हूँ। और सबसे ज़्यादा यह है वीकनेस है और वेट मेरा बहुत कम हो गया है पहले से। मतलब जब मैं बीमार पड़ी थी तो उस टाइम में वेट करी थी तो मेरा 64 था वेट, और अभी मैं तत्काल में मेरा 54 हो गया है। तो वेट मेरा बहुत कम हो गया है और किसी तरह की परेशानी नहीं है। वीकनेस है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत वीकनेस नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये सब सही हो जाएगा। और जिस तरह से माता रानी मेरे फैमिली को इससे बाहर निकाली है, उसी तरह एक तो किसी को हो नहीं, और अगर हो भी तो जिस तरह आसानी से हम लोग इससे बाहर निकल गए उसी तरह सब निकल जाए। क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन शायद दुआओं की वजह से वो भी इससे जंग जीत गए कोविड से। और मैं दुआ करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में ही रहिएगा, मास्क लगाइएगा, मास्क का यूज़ करिएगा। मैं अभी भी मास्क लगाती हूँ, अभी मैं वीडियो बनाने के टाइम खोल के बगल में ही यहाँ पे देखिए मास्क मैं रखी हुई हूँ, हमेशा मास्क लगाती हूँ। मास्क का यूज हमेशा करिए। और जिन लोगों को ये, मुझे तो कोविड हुआ है तो अभी मैं इंजेक्शन नहीं ले सकती हूँ, जो कोविड का वैक्सीन है वो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप लोग वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए। हमेशा कोशिश में लगे रहिए कि वैक्सीन आपको मिल जाए, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा मास्क का यूज़ करिए। आगे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों से अपने ब्लॉग वाले चैनल पे, इस पर नहीं, इस पर मैं अपडेट दे दी हूँ। मेरा ब्लॉग चैनल है मी सोनम मेरी लाइफ, तो वहाँ पे मैं अपडेट दूंगी, मतलब पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी।